नमस्कार, समाचार क्यारी से प्रिया शर्मा दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। दुश्मन ड्रोन को देखते ही मार गिराने के लिए बीएसएफ ने मांगा अत्याधुनिक ड्रोन सिस्टम। दिव्यांग खिलाड़ियों पर बीसीसीआई मेहरबान, 3-3 लाख रुपए देने की घोषणा। सोनिया पर टिप्पणी को लेकर भड़की महिला कांग्रेस, कहा माफी मांगे सीएम खट्टर। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव ने इस टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेश कौशिक ने कहा है कि पिछले 5 वर्षों में बहादुरगढ़ में योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्य किए गए हैं। समाचार क्यारी टीम की सर्वे के अनुसार बहादुरगढ़ में भाजपा प्रत्याशी नरेश कौशिक की स्थिति मजबूत। समाचार क्यारी के ब्यूरो चीफ संजय शर्मा ने विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों से प्रदेश की राजनीति के बारे में बात की। लोगों का कहना है कि इस बार बादली की जनता कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ को भारी वोटों से विजयी बनाएगी। दिल्ली में खराब होती वायु गुणवत्ता पर केजरीवाल बोले, बाहर से आ रही है धुंध। फरीदाबाद में पीएम मोदी की रैली, कहा 5 महीने में ही मेरी सरकार ने कितने बड़े बड़े फैसले लिए। कुरुक्षेत्र में अवैध शराब ले जा रहे कैंटर ने पिता पुत्र को कुचला, पिता की मौत। उपभोक्ताओं पर नई आफत, 14 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंची खुदरा महंगाई।